हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेंस स्टाइल अप। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सेफ्टी पिन के इस्तेमाल से मैं परफेक्ट फिटिंग वाली साड़ी आपको ड्रैप करके दिखाऊंगी, वो भी हैवी बॉर्डर की। जी हाँ दोस्तों, आज की साड़ी मेरी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया है। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले अपनी साड़ी लेनी है। साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज मैंने वेयर कर लिया। फुटवेयर मेरा हील वाला, इसलिए पहले ही वेयर कर लूँ ताकि साड़ी बांधने के बाद ऊँची नीची ना हो जाए। एंड यहाँ पर जो पेटीकोट यूज़ किया, ये शेफवेयर पेटीकोट है, तो आपको परचेज डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें डोरी सामने की तरफ दी गई है, तो मैंने सामने बांधा है। अब हम अपनी साड़ी को खोलेंगे, और जब भी आप अपनी साड़ी को खोलेंगे, उसका पल्लू वाला पोर्शन आपको पहले पकड़ना है। पल्लू वाला पोर्शन रखना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है। बाद में आपको साड़ी परचेज करनी है, परचेज की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये हमारी साड़ी का आखिरी सिरा है, तो आखिरी सिरे को रखते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, और सामने के पार्ट को जिसे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको कमर में टक करेंगे। तो पहले हमने राइट में टक किया, फिर लेफ्ट में। इसके बाद जो सामने का पार्ट बच जाता है, इसको अच्छे से पेटीकोट में इंसर्ट करना होता है, ताकि सामने फंस के ना पेटीकोट में फैब्रिक खुली खुली ना दिखे। अब बेसिक राउंड टक हो जाने के बाद हम साड़ी को लेते हैं उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी भी सिलट पलट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है, तो बाकी साड़ी को सामने छोड़ना है। फिर पल्लू वाले पोर्शन को ड्रेस को घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। एंड यहाँ पर जो पल्लू वाला पोर्शन है, इसको हम सामने इस तरह से लेकर आएंगे, और अपने देखिए एक हाथ फैब्रिक इस तरह से आपको मेजर कर लेना है अपने हैंड से। तो अपने ही हाथ से आपको मेजर कर लेना है, ताकि अपने पल्लू के लेंथ प्रॉपर बने। उसके बाद इसको देखिए, मैंने डबल फोल्ड कर लिया। सामने जो बंद वाला पोर्शन है, उसको इस तरह से इसी टाइम पर तो पकड़ लेना है। अब आप राइट या फिर लेफ्ट का इसे क्लिप उठा सकती हैं, तरीका सेम मिलेगा। सो मैं यहाँ पर लेफ्ट से उठा रही हूँ, राइट साइड के पल्लू को कॉर्नर को कमर में टक किया, जिससे क्लोज बनाने में आसानी हो। हम हाफ इंच के करीब फैब्रिक छोड़कर स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पर स्मॉल फिंगर को बगैर फिंगर का भी इस्तेमाल कर लीजिए, तो थंब फिंगर का इस्तेमाल करेंगे फैब्रिक को पकड़ने में। और सामने की जो टू फिंगर बच जाती है, उसकी मदद से हम कैंच की तरफ करते हैं, फैब्रिक को फंसाते हुए वन बाई वन क्लिप बनाएंगे। यहाँ पर मैं अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग क्लिप बना रही हूँ, चाहे तो चोल पत्ते भी रख सकते हैं। हैंड को आगे की तरफ ले जाते हुए क्लिप्स बनाए, ताकि फैब्रिक बिल्कुल एक बराबर पकड़ में आए। और जो कॉर्नर कमर में टक किया था, इसको खोलते हुए दूसरी साइड भी देखिए बॉर्डर टू बॉर्डर मैच करा लेते हैं। एंड इसके बाद हम प्लीट बना लेते हैं। अब जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगे, तो जो अंदर वाली प्लीट होती है, उसका डायरेक्शन देखिए कभी भी आपका यहाँ पर देखिए राइट की तरफ होना चाहिए। तो मेरा लेफ्ट की तरफ है, तो थोड़ा सा मैंने पतली प्लेट्स कर ली है, और उसके डायरेक्शन को मैनेज कर लिया है। प्लेट्स बन जाने के बाद लेफ्ट हैंड में फैब्रिक को पकड़ लेना है, और फैब्रिक को आगे लेकर आना है जहाँ तक हमारा पल्लू डबल फोल्ड है, उसके आगे देखिए इस तरह से पकड़ना है। थोड़ा सा इस तरह से शेक करेंगे, तो जो डबल लेयर थी एक लेयर बाहर आ गई, उसको लेफ्ट हैंड पर रख लेंगे, ताकि प्लेट्स बनाते वक्त वो हमें परेशान ना करे। अदरवाइज आप ऐसे छोड़ोगे, तो जब आप प्लीट अरेंज करोगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। इसलिए मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से लेफ्ट हैंड पर रख लूँगा, हल्का सा लीजिए रखें। एंड इसके बाद जो आपको प्लेट्स नज़र आ रही है, उसको थोड़ा सा इस तरह से वन बाय वन पकड़ते हुए छटकते हुए अरेंज कर लें। तो इस तरह से जो आपके शोल्डर की प्लेट्स है ना, एक ही बार में फटाफट से बन जाती है। अगर आपको बहुत ही तेज़ी से प्लेट्स बनानी है, तो आप स्ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। सो यहाँ पर हमारी प्लेट्स अरेंज हो गई है, तो जो लेफ्ट हैंड में फैब्रिक पकड़ा है, इस वाले पॉइंट को हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए फैब्रिक शिफॉन का है, तो ईजिली से प्लेट्स जो है अच्छे से बन चुकी है हमारी। थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करते हुए यहाँ पर आपको झटक देना है। एंड ये देखिए प्लेट्स बन जाने के बाद लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। सो यहाँ पर देखिए मेरे घुटने से नीचे आ चुकी है, तो पल्लू की लेंथ मैं घुटने से नीचे रख रही हूँ। अब आपको लेना है सेफ्टी पिन एंड ब्लाउज के शोल्डर पर पल्लू को सिक्योर करना है। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है, उससे 1 या 2 इंच बैक में जाएंगे पल्लू की प्लेट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन आपको ब्लाउज के अंदर से लगानी है, जब उसके नोक बाहर की तरफ आ जाए, तो फिर थोड़े से दूर पर अंदर की तरफ इंसर्ट होते हैं सेफ्टी पिन के नोक को लॉक कर। इस तरह से अगर आप पल्लू को सिक्योर करेंगे, पल्लू आपको अच्छे से शोल्डर पे सेट रहेगा, बार बार सामने की तरफ नहीं गिरेगा। अब हम सामने के पोर्शन को सेट करेंगे, तो देखिए पल्लू का जो अंदर वाला बॉर्डर है, उसको चेस पर सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए लेफ्ट तक फैब्रिक को निकाल लिया मैंने। एंड यहाँ पर जो शोल्डर की प्लीट आ रही है, इनको वन बाई वन अरेंज कर देना है। एंड इस तरह से हमारी जब प्लीट्स अरेंज हो जाती है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खींचते हुए देख
लीजिए टाइटली से। आपको फैब्रिक को मेजर करना है, इस तरह से देखिए मेजर करके आपको राइट हैंड साइड पर देखा जा रहा है इतना फैब्रिक जो मेजर किया इसको आपको यहीं पर छोड़ देना है। अब मैं यहाँ पर कमर में टक कर लूँगी, बाकी जितनी भी फैब्रिक बच रही है इसके हम प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लेफ्ट राइट कहीं से प्लेट बना सकती हैं, तरीका सेम ही रहने वाला है। सो मैं यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड से प्लेट उठाऊँगी। सबसे पहले तो आपको स्मॉल फिंगर थंब से फैब्रिक को पकड़ लेना है, सामने के टू फिंगर को टच की तरह कर दो, उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम वन बाई वन प्लेट बनाएंगे। इसका फैब्रिक शिफॉन है ना, तो मैं बहुत चौड़ी चौड़ी प्लेट्स नहीं बना रही, मीडियम साइज की प्लेट बना रही हूँ। तो मेरी 5 या 6 I think 7 प्लेट मेरी आ गई थी। तो साड़ी की लेंथ अच्छी है, बट नीचे से जो आपने देखा एम्ब्रॉयडरी फर्स्ट प्लेट पे नहीं आई है, तो मुझे बिल्कुल बेकार लगती है। प्लेट्स बन जाने के बाद इनको अच्छे से आपको अरेंज करके इस तरह से एक बार सेट कर लेना है, ताकि नीचे तक प्लेट्स अच्छे से बैठ जाए। अब हमारी प्लेट बन चुकी है, बट इन्हें ऊपर साइड से अरेंज करना होता है, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ हाफ सेंटीमीटर का कैप भी रखते हुए। इस तरह से हमारी जो सभी प्लेट्स हैं वो उभर के नजर आती है और नीचे से अपनी में फॉल साइड भी नहीं दिखती है। सभी प्लेट को टमी के सामने रखते हुए पकड़ लिया है, केवल पहली प्लेट को खोला है। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको लेते हुए पहली प्लेट को चौड़ी करेंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट प्लेट है ना बाकी की प्लेट से चौड़ी हो जाती है, तो हमारा जो पहले प्लेट है ना वो बहुत अच्छे से सेट रहेगी। फैब्रिक अच्छे से अंदर तक टक ना हो जाए, तो यहाँ पर देखिए प्लेट हमारी अच्छे से टक हो गई है। अगर आपको लगता है कोई प्लेट दब गई है तो हल्का हल्का स्प्रेड कर दे, इसी को कहते हैं हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैपिंग। अब जो लेफ्ट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैनेज करने के लिए देखिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को पल्लू पे सेट करते हुए देखिए फैब्रिक को इस तरह से बैक से घुमाते हुए लेफ्ट की तरफ लेकर आना है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल कर है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इसको मैनेज करने के लिए राइट साइड से जो पार्ट है ना हमारा यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा खोलना है और उसमें राइट वाला हैंड को इंसर्ट कर लेना है। अब जो लेफ्ट साइड का फैब्रिक है ना इसको राइट वाले हैंड से पकड़ते हुए राइट की तरफ खींचना है, और ये देखिए राइट की तरफ फैब्रिक आ चुकी है। अब आपको जितना फिटेड रखना है उतना आपको टाइटली से खींचना है। जनरली मैं घुटने तक फिटेड रखती हूँ तो इतना ही खींच रही हूँ मेरे घुटने तक फिटेड हो जाए। अब जो फैब्रिक निकल कर आया उसे ट्विस्ट करके कमर में टक करेंगे, ऊपर की जो लेयर ओपन कर रखी है इसको भी हम यहीं पर टक कर लेंगे। ध्यान रखना है कि नीचे से फैब्रिक उठे ना, इसलिए आप पैरों को पास दबाए रखें। अब ये जो पार्ट टक किया ना ये आपका ऊपर वाली प्लेट से इस तरह से ढक जाएगी, तो आपकी थोड़ी बहुत फैब्रिक एक्स्ट्रा हो तो वो अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाती है। प्लेट्स को एक बार अच्छे से ठीक कर लेना है, एंड इसके बाद से आप देख सकती हैं सिर्फ एक सेफ्टी पिन के इस्तेमाल से किस तरह से मैंने परफेक्ट फिटिंग वाली साड़ी ट्रैप की है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।